अयोध्या रेप कांड पर अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। डीएनए टेस्ट वाली डिमांड पर वो अड़े हुए हैं। डीएनए टेस्ट होना चाहिए, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। चुनाव से पहले बीजेपी साजिश रच रही है। पूरा जीवन समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। जनेश्वर मिर्जी उस पीढ़ी के नेता हैं जिन्होंने आजादी के बाद किसान, गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित और हर वर्ग के लोगों को कैसे उन्हें सम्मान का जीवन जीने को मिले, उन्हें कैसे आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सम्मान दिलाने का काम करें, समाजवादी सिद्धांतों को गैर बराबरी के खिलाफ और जाति भेदभाव के खिलाफ उन्होंने न केवल समाज को एकजुट करने का काम किया बल्कि उस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम और हम नई पीढ़ी के लोगों तक देने का काम किया। उनका जीवन भर संघर्ष रहा और जब कभी भी वो सरकार में ऊंचाई पर पहुंचे उन्होंने अपने जीवन का सादा जीवन और अपना व्यवहारिक जीवन जो सब लोगों को जोड़ के रखते थे कभी नहीं दूर किया। और हमें याद है कि 5 अगस्त के दिन जो उनका घर दिल्ली में था उस घर के बाहर उन्होंने लोहिया के लोगों का लेकर के एक तख्ती लगाई हुई थी और उस दिन पूरे प्रदेश और देश के लोग उनके घर जाकर के उन्हें बधाई और मुलाकात करते थे। कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है, ये कानून किसका संशोधित है, ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा। और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें, हम टेंशन में आ जाएं कि हम भी सर मार दें किसी आदमी के सर पे। आपने देखा नहीं बनारस में क्यूटो में क्या हुआ, अधिकारी पे इतना प्रेशर कि वो आकर के सर मार दिया उसके व्यापारी के। आइए एक बार फिर से मैं आपको लखनऊ लिए चलता हूं, मेरे साथ संजय वहां से लगातार जुड़े हुए मेरे सहयोगी। संजय, डीएनए टेस्ट वाली डिमांड पर अखिलेश यादव अड़े हुए हैं, आप जहां पर खड़े हैं आपके पीछे मुझे वो पोस्टर नजर आ रहा है जो शायद बीजेपी की तरफ से लगाया गया है जिसमें इसी को लेकर तंज कसा गया है। बिल्कुल, ऐसे पोस्टर जो अखिलेश जो शहर में कई अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं, ये पोस्टर जो है वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास के सामने लगा हुआ है और जिसमें लिखा हुआ साफ तौर पर कि अखिलेश यादव को पीडी यानी पिछड़ा और दलित से कोई लेना देना नहीं है, ये मोहित चूंकि ए है, अल्पसंख्यक है, इसलिए उसको कुछ नहीं होना चाहिए, इस तरह की बात इसमें लिखी गई है। और प्रतापगढ़ के कोई भाजपा नेता मनीष शुक्ला टीसू हैं, इनकी ओर से ये पोस्टर लगाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो मैं बात कह रहा था कि ये सियासत केवल जुबानी नहीं रह गई है बल्कि ये धरातल पर भी नज़र आ रही है। डीएनए टेस्ट और नार्को टेस्ट की मांग समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं और काउंटर में जो यूपी के डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनका कहना है कि जब समाजवादी पार्टी के समय में अपराध होते थे, बलात्कार होते थे, हत्या होती थी, तो क्या उस वक्त आरोपियों का या पीड़ित पक्ष का नार्को टेस्ट या डीएनए होता था क्या? तो ऐसी डिमांड वो कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना ये एक मामला नहीं है अयोध्या का, ऐसे उत्तर प्रदेश में रोजाना कोई ना कोई घटना सामने आ रही है, तो सरकार को चाहिए कि सभी में इस तरह कार्रवाई करे, सभी बुलडोजर चले। तो बहरहाल ये पूरा मसला जो है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि समझने वाली बात ये है अयोध्या से समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है, ये उसके लिए उत्साहित करने वाली बात है। और चूंकि मिल्कीपुर में अब बाई इलेक्शन होना है, मिल्कीपुर से अयोध्या प्रसाद विधायक थे, अब उस सीट पर बाई इलेक्शन होना है, तो ये सियासी जो घटनाक्रम है, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है ये लगातार चलता रहेगा।